नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश बस्ती में मां ने की नवजात को जिंदा दफनाने की कोशिश, ऐसे बची जान। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जन्म देने वाली मां हैवान बन गई। उसने अपने नवजात बच्चे को जिंदा दफनाने की कोशिश की, लेकिन मासूम के जीवन की डोर नहीं टूटी और समय रहते बच्चे को बचा लिया गया। दरअसल एक महिला ने नवजात के रोने की आवाज सुनी और उसने पास जाकर देखा तो उसका आधा शरीर जमीन के अंदर था। महिला ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने नवजात को जमीन से निकाला और अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस घटना से हर कोई हैरान है। जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरफराज और अस्पताल स्टाफ नवजात की देखभाल में जुटा हुआ है। डॉक्टर और स्टाफ के अथक प्रयास के बाद नवजात को बचा लिया गया। बच्ची डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। बताया जा रहा है कि एसआई रिजवान अली, हेड कांस्टेबल शेषनाथ, होमगार्ड इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। तुरंत ही बच्चे को जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की एक टीम बच्चे का ध्यान रख रही है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जन्म देने वाली महिला ने बच्चे की हत्या का प्रयास क्यों किया। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।